हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और टेस्टी चीज़ पनीर समोसा। आज मैं समोसा फोल्ड करने की दो मेथड सिखाऊंगी, उसे देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 100 ग्राम ग्रेटेड या फिर कद्दूकस किया हुआ चीज़, 100 ग्राम ग्रेटेड फ्रेश पनीर, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 कप बॉईल किए हुए मकाई के दाने, 1 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, चाट मसाला, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स। और मैंने यहाँ पे रेडीमेड समोसा शीट्स लिए हैं। आपको ये समोसा पट्टी किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगी। अब हम समोसा का स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, ग्रेटेड चीज, कटे हुए कैप्सिकम, बॉइल्ड मकाई के दाने, कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हम बाकी के मसाले इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच डालेंगे। क्योंकि चीज़ है वो भी सोल्टी होता है, इसलिए इसमें नमक थोड़ा कम डालेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को एक स्पून की मदद से हल्के हाथों से घुमाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। समोसा का स्टफिंग रेडी है। अब हम मैदे की स्लरी बनाएंगे जिससे हम समोसा फोल्ड करते टाइम पट्टी को चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से स्लरी तैयार करेंगे। आप चाहे तो मैदे के बदले गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम समोसा फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ी सी शीट्स पैकेट में से निकाली है, क्योंकि ये जो शीट्स है वो बहुत पतली होती है और जल्दी से सूख जाती है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके ही निकालेंगे। अब हम एक पट्टी लेंगे और उसको इस तरह से कोन की तरह फोल्ड करेंगे और एक ट्राइंगल शेप तैयार करेंगे। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये बनाना बहुत ईजी है। बस इस तरह से हमें कोन बनाना है और उसको एक ट्राइंगल शेप देना है और ऊपर से अच्छी तरह से पकड़ के इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को दबाते हुए अच्छे से भरेंगे, फिर बाकी की जो पट्टी है उसको भी इस तरह से टाइटली फोल्ड करेंगे और एंड में हम मैदे के पेस्ट लगाएंगे और उसको चिपका देंगे। देखिए बहुत बढ़िया ट्राइंगल शेप बना है। अगर कोनों में थोड़ा गैप रह गया है तो इसमें हम मैदे की पेस्ट लगाकर इसे पैक कर देंगे। समोसा फोल्ड करने के बाद इसे कपड़े से अच्छी तरह से ढक के रखें या फिर हल्का गीला कपड़ा ले उसमें ढक के रखें ताकि समोसे सूख न जाए। अब मैं दूसरा एक समोसा आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। अगर आपको हाथ में पकड़ कर नहीं होता है तो आप इस तरह से प्लेट में रख के भी समोसा फोल्ड कर सकते हैं। हम एक कोन बना देंगे और इसको हाथ में पकड़ के इसमें स्टफिंग भर देंगे। ध्यान रहे कि नीचे की साइड ज़्यादा बड़ा होल ना रहे, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ सकता है। इसको अच्छे से पकड़ेंगे और इसमें स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग को थोड़ा सा दबाते हुए प्रेस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं भरना है, नहीं तो पट्टी फट सकती है। एंड के पोर्शन में मैदे की पेस्ट लगाएंगे और इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी तैयार है। अगर आपसे ट्रायंगल समोसा नहीं बनता है तो मैं आपको समोसा फोल्ड करने की एक दूसरी मेथड बताती हूँ जो बहुत ही इजी है और इसे कोई भी बना सकता है। उसके लिए हम एक पट्टी लेंगे और इसके बीच में पेस्ट लगा देंगे, फिर इसके ऊपर दूसरी पट्टी लेकर और इसको चिपका देंगे, फिर बीच में स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमें थोड़ा ज़्यादा भरना है तभी समोसा अच्छा बनेगा। स्टफिंग को थोड़ा सा सेट कर देंगे, कोई भी एक साइड की पट्टी को फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर मैदे की स्लरी लगाएंगे और इसकी बाजू वाली जो पट्टी है उसको चिपका देंगे। फिर से पेस्ट लगाकर पट्टी को फोल्ड कर देंगे और चिपका देंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए चिपकाएंगे। लास्ट वाली जो पट्टी है उसको भी टाइटली प्रेस करते हुए चिपका देंगे। और कोई भी पट्टी अगर बाहर है तो उसको भी पेस्ट लगाकर चिपका देंगे।
अगर कहीं भी अगर गैप रह गया है तो उसमें आप पेस्ट लगाकर पैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्क्वायर पॉकेट समोसा तैयार है। मैं आपको एक दूसरा भी समोसा फोल्ड करके दिखाती हूँ। समोसा चाहे ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो, इसे फोल्ड करना बहुत ईजी है। बस इसे बार बार करते रहिए, हो सकता है एक दो समोसे आपके खराब हो जाए, लेकिन बार बार करने से ये आपको इजीली आ जाएगा और आपके समोसे भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये हमारा दूसरा पॉकेट समोसा भी रेडी है। ये देखिए सभी समोसे तैयार हैं। हमने जो मेजरमेंट लिया था उसमें से करीब 23 समोसे बने हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। समोसा को फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा गरम हो जाए फिर हम इसमें समोसा डाल देंगे। अगर आप रेडीमेड शीट्स यूज़ करते हैं तो ये जो शीट्स होती है वो बहुत पतली होती है, और अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा तो ये जल्दी से जल जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें समोसा को फ्राई करना है। समोसा का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। आप जितना लो फ्लेम पे आराम से समोसे को तलेंगे उतने ही समोसे क्रिस्पी बनेंगे। समोसे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अभी हम एक प्लेट में समोसे निकाल देंगे। अब हमने जो स्क्वायर पॉकेट समोसा बनाए थे उसे भी फ्राई कर देंगे। इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए डिलीशियस क्रिस्पी चीज पनीर समोसा तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी टेम्पटिंग लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और इसे बनाना एकदम ही आसान है। तो आप भी इसे घर पे जरूर बनाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।